रोग लगा ना, ये देखो ये इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्डू, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पाउडरी मिल्डू, ये देखो पाउडर पाउडर हो गया ना। वहाँ पौधा है आपका फ्लॉरिंग आता है वहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं आप, इसके लिए एक पाउडर आता है सल्फेक्स पाउडर आता है पोटेबल सल्फर, उसका जो है 3 ग्राम मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के करते हैं और फूल खिलने से पहले, मतलब अभी कुछ दिन पहले इसमें करवाए थे हम, तब तक और फिर देना पड़ेगा। और उसी समय ये सब जो ये मैंगो जो है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्या है हाईली क्रॉस है, इसमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि दशहरी का पौधा जो होता है दशहरी का जो मेल है उसको फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, स्टडी है इसके लिए दूसरे का मेल चाहिए, इसके बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, स्व अनिश्चितता, व्हेन द पॉलन ऑफ द सेम वैरायटी शोज इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट सेम वैरायटी, इसको बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। और ये सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी होती है जो कि ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें बॉटल नेक हो जाता है, निमोलेरिया में उसमें सब अपाए होंगे आप लोग जो है पूरा रूट्स तक ब्रीडिंग रूट्स तक क्या होता है कैसे होता है, तो इसमें स्प्रे करते समय ध्यान देना है। और फुल ब्लू में भी इसमें स्प्रे करेंगे ना देखो यहाँ पर मधुमक्खी आ रही है, अभी भूल के भी जो है इसमें स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। और जो है देखो जैसे अभी यहाँ देखो क्या बोलते हैं देखो यहाँ सेटिंग हो गया, देख रहे हो ना एक देखो यहाँ पे सेटिंग हो गया मैंगो, देख रहे हो ना बहुत अच्छी सेटिंग होगी इसमें, एक पेनिकल में अगर दो फल लग जाता है ना तो वंडरफुल सेटिंग कही जाती है, वंडरफुल यील्ड कही जाती है एक पेनिकल के अंदर, पूरे एक पेनिकल में अगर एक फल आ गया ना एक दो बहुत अच्छा यील्ड माना जाता है, क्योंकि 0.1% ही इसका जो है सेटिंग होती है और तो हजारों लाखों पेड़ फ्लावर गिर जाते हैं, तो गिरना भी चाहिए, इसमें मेल फ्लावर होता है और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, हर्माफ्रोडाइट अंदर के फ्लावर के अंदर ही जो है फ्रूटसेट होता है मैंगो के अंदर, ठीक है। सब बेसिक बात जानते होंगे फिर जान लीजिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। दशहरी बैठी का इधर देखिए अब इसमें है कि इधर क्या नाम है तो अभी लेट आ रहा है, कोई कोई ब्रांच में मैच्योरिटी ज़्यादा रहती है कोई किसी पार्ट में, तो जल्दी फ्लावर थोड़ा आ जाता है किसी थोड़ा लेट आता है। दशहरी में एक और फैक्टर दशहरी वैरायटी में कि अल्टरनेट बेरिंग हाईली अल्टरनेट बेरिंग यहाँ पे आती है, इरेगुलर बेरिंग इरेगुलर, ठीक है। और इधर केसर है, केसर में थोड़ा ऊँचा फ्लावरिंग होगा, देखो ऊँचा है लेकिन हर साल आता है कुछ अभी आएगा 100 किलो तो अगले साल फिर फलेगा 60 किलो आता है केसर में, इस 80 किलो आया तो अगले साल 50 किलो जरूर आता है केसर में, डू यू एग्री दिस पॉइंट ऑन दैट, हमारे ऐसा होता है। लास्ट ईयर बिका 10 लाख में इस साल बिकेगा 8 लाख में, लास्ट ईयर बिका 8 लाख में इस साल बिकेगा 20 लाख में, हमारा बैटरी इस साल ज़्यादा फ्लावरिंग है, ठीक है। आइए ये हो गया मैंगो रेनफेड के अंदर सब मल्चिंग करके और इसको कैनापी क्लियर करके करेंगे तो बिना पानी के भी आम हो सकता है, सही भी कम आएगी, लेकिन क्योंकि इसका ग्लट नहीं होता है इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं इसको लगाना चाहिए, मैंगो में ग्लट नहीं होता और लगा तो ग्लट हो जाता है उसमें, ठीक है।